तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि छठ पूजा का आज खरना है, ठीक है। एंड सुबह सुबह मैं अभी सो के उठा हूँ और अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगा छठ घाट बनाने के लिए, उसका भी वीडियो मैं डालूंगा। एंड आज क्या सब होता है एंड छठ का जो भी ब्लॉग है ना, मतलब आप उसको फील कर सकोगे, छठ पूजा को फील कर सकोगे। अगर आप बिहार से नहीं भी हो ना तो आप देख सकोगे कि क्यों ये मतलब महापर्व कहते हैं। तो गाइस बस बने रहो वीडियो में तक एंड आप समझ सकते हो कि छठ होता है क्या है। तो गाइस जैसा कि देख रहे हो कि मैं अभी मिट्टी वगैरह से मतलब छठ घाट को सही कर रहा हूँ, ठीक है। एंड समझ लो कि ये बस लास्ट चरण है, इसके बाद आपका जो छठ है वो तैयार हो चुका है। एंड दिखाते हैं वीडियो में, बस बने रहो आप। तो गाइस फाइनली घाट जो है सो बन चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बच्चे लोग भी हैं एंड बहुत सारे लोग उस पार मतलब छठ घाट के उस कात भी मतलब बहुत से लोग हैं जो अपने घाट को सजा रहे हैं, अपने घाट को सही से कर रहे हैं। तो गाइस अब हम अपने घर चलते हैं एंड शाम को दिखाते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम होता है। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि आज खरना है और खरना का जो प्रसाद है वो अभी बन रहा है, दादी बना रही है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ऐसे वीडियो में बने रहे हैं एंड आप देखोगे एंड फील कर सकोगे ये छठ को महापर्व क्यों कहते हैं, लोक आस्था का पर्व इसे क्यों कहते हैं। तो प्रसाद यानी कि खीर बन रहा है और खीर जो है सो गाइस गुड़ का खीर है, ठीक है। एंड जैसे कि देख पा रहे हो कि चूल्हा जो है सो मिट्टी का चूल्हा, क्योंकि इसे शुद्ध माना जाता है। और छठ जो है सो काफ़ी ज़्यादा प्योर, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसे प्योरिटी का फेस्टिवल इसको हम कहते हैं, जिसमें हर चीज़ का आप खास ख्याल रख के ही बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस जैसे कि देखे आपने कि खीर बन चुका है प्रसाद के लिए और अभी रोटी बनने जा रहा है। तो गाइस प्रसाद में जो न्योत चढ़ता है ना, उसमें रोटी और खीर जो होता है सो गुड़ का खीर होता है, ठीक है। एंड वो चढ़ाते हैं, साथ में फल वगैरह भी रखा जाता है। सो आप लोग देखना, देखोगे आप सब समझ जाओगे। तो हमारा रोटी भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। तो अब तक हम जाके थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं एंड गाइज जैसे कि ये सब कुछ बन जाएगा तो फल वगैरह को कट करके एंड न्यू चढ़ाएंगे, मतलब प्रसाद चढ़ाएंगे। सो देखते रहना आप लोग। तो अभी हम धूप तैयार कर लेते हैं, जिसमें गोएथा, कर्पूर और जो धूप होता है ना वो ऊपर से रखेंगे धुआं के लिए, ठीक है। सो देखते रहो गाइज। तो क्या जैसे कि देख पा रहे हो कि जो प्रसाद है ना वो इस केले के पत्ते पे ही देना होता है, क्योंकि इसे शुद्ध माना जाता है। तो जैसे कि देख पा रहे हो, जिसके जितने रखे होते हैं ना उतने ये जो देख रहे हो रोटी उतने रखे जाते हैं। जितने भी व्रती हैं वो आज से ही फास्टिंग में, मतलब आज कल और परसों, आप समझ सकते हो इसी वजह से छठ पूजा को सबसे कठिन, मतलब वर्ल्ड का सबसे जो कठिन व्रत है ना वो हमारा छठ पूजा ही है।
आज खरना पूजन संपन्न हुआ तो कल शाम का अर्घ है एंड परसों सुबह का अर्घ है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें एंड इस प्रकार से आप किस तरह से हम पूजा करते हैं आप देखते रहोगे। तो लास्ट में कमेंट में आप सब बोल दो जय छठी मैया।